प्रिया प्रीतम जी की कृपा से, रसिक जनों की चरण रज के प्रताप से हृदय नेत्र खुलते हैं, तब उस उपासक की बड़ी अद्भुत दशा होती है। पीछे सत्समय चर्चा हुई कि तीन नेत्र हैं, एक है पंचभूतों से रचित पार्थिव नेत्र, जिसे केवल माया रचित गुण दोष और पंचभूत रचित जड़ चैतन्य का दर्शन होता है। एक है बुद्धि में ज्ञान नेत्रों का प्रकाशित हो जाना, जिससे सर्वत्र ब्रह्म साक्षात्कार हुआ है। और एक है हृदय में मानस नेत्रों का खुल जाना, जिससे प्रिया प्रीतम की दिव्य रूप माधुरी और लीला रसास्वादन होता है। भोरी सखी जी के हृदय नेत्र खुल के हैं, क्या दशा होती है जिसके हृदय नेत्र खुल जाते हैं? मोहन लाल जी, मानो नेत्र जैसे लालू के प्यासे नेत्र प्रिया जी के रूप में अनशन पर भुज दिए बिलुकत इंदु बदन बिरियोर करत पान रस मत परस्पर पर लोचत त्रसित चकोर। रूप का पान कर रहे रस की मत्तता है, पर प्यास बढ़ती चली जा रही है। ऐसे नेत्र हो जाते हैं उस उपासक के जैसे मोहनलाल के नेत्र प्यारी जू की रूप माधुरी का पान करते हैं, ऐसे रूप माधुरी का पान उपासक करता है। ये थोड़ा सा भी उपासना में रंग आया है तो समझ पाओगे बहुत प्रेम की अद्भुत स्थिति है। उपासक की ऐसी स्थिति होती कि नेत्र बाहरी पार्थिव व्यर्थ हो गए हैं, अब इनमें जो पार्थिव दिखने की शक्ति थी वो नष्ट हो गई। अब ही के नेत्र खुले तो इनका ऐसा प्रकाश इन नेत्रों में हुआ, ही के नेत्रों का, कि वो जिधर देखता है वो युगल सरकार के सिवा उस दिखाई ही नहीं देता, जैसे गोपी जनों को केवल श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। तित देखूं तित श्याम मई, ही के भीतर अरुझें अखियां। अभी पार्थिव नेत्रों का काम खत्म, अब हृदय में जो नेत्र खुले प्रेम नेत्र, जिसे आप श्रृंगार आरती के बाद गाते हैं, ही के नैन निहारी, हृदय रूपी नेत्रों से प्रिया प्रीतम को देखा जाता है। वो नेत्र हरिवंश कृपा गुरु कृपा से खुलते हैं। जिस समय हृदय के नेत्र खुलते हैं तो बाहर के नेत्रों की शक्ति चली जाती है। बाहर के नेत्रों की शक्ति है स्त्री पुरुष देखना, गुण दोष देखना, चैतन्य देखना, अच्छा देखना, ये सब खत्म हो जाता है। वो जिधर देखता है उसको अपना प्रीतम नजर आता है। ही के भीतर अरुझे अखियां, बाहर कछु न दिखावे, बाहर और कुछ दिखाई नहीं देता। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णम जगत, चेतन चेतन सब कुछ व्यापित। ऐसा नहीं कि वो अकल लड़ा करके बात कर रहा है कि सब कुछ प्रिया प्रीतम है, बुद्धि लड़ा रहा है, नहीं। जैसे हम तुम सहज में देखते हैं स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई देता है, ऐसे जिसके हृदय के नेत्र खुलते हैं तो ये जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष ढांचा नहीं, सीधे हृदय में उन विराजमान प्रिया प्रीतम दिखाई देते हैं। ऐसी ही श्रवणेन्द्रीय की दशा होती है। ही के भीतर श्रवण समावे, क्या प्रिया प्रीतम बात कर रहे हैं, प्रति अक्षर में प्रेमामरस उफान हो रही है, वो श्रवण कर रहे हैं। श्रवणेन्द्रीय अंतर्मुख हो गई, बाहर की श्रवणेन्द्रीय विषय शब्द केवल पार्थिव सुन सकती, प्रिया प्रीतम के नहीं। जब हरिवंश कृपा से हृदय नेत्र खुले तो श्रवणेन्द्रीय भी उनके शब्द सुनने के लिए अंतर्मुखी दिव्य हो गई। अब बाहर की कोई बात खूब कोलाहल मचा हो, श्रवणेन्द्रीय अंतर्मुख हो तो एक शब्द नहीं सुनाई देगा। से बाण बनाने वाला इतना तन्मय था कि राजा की सवारी गल गई, उसे एक शब्द नहीं सुनाया। फिर उपास अपने उपास्य देव में आस्तचित्त और उस प्रपंच सुनाई दे
ये तो पाखंड ही है, ये तो दंभ है, अभी उपासना का रंग नहीं है। श्रवणेन्द्री नेरेन्द्री बाहरी व्यर्थ देखना बंद कर दिया। अब प्रिया प्रीतम की बात सुनाई देती, प्रिया प्रीतम दिखाई देते हैं। ए भीतर ही वाणी बिरमे, बाहर वचन न आवे। अब वाक इंद्री व्यर्थ हो गए, मूक हो गए। किसी से बात करना, व्यवहार की बात करना कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर बात होगी तो प्रिया प्रीतम की, प्रभु की होगी, सिद्धांत की होगी, नहीं तो मौन। ताते मौन गहनो उचित है। पर ये साधक की वृत्ति है, जिसके हृदय नेत्रों में प्रियालाल रम गए, प्रकाशित हो गए, उसको बिना प्रयास के ही वाणी मौन हो जाती है। मौन का तात्पर्य है संकल्प रहित हो जाना, मौन का तात्पर्य है प्रपंच की वार्ता से रहित हो जाना, दूसरी की निंदा स्तुति दोनों से रहित हो जाना। वो केवल अपने प्रभु से बात करता है, केवल अपने प्रभु की बात करता है, प्रभु का नाम गुण लीला रूप इसी का रसास्वादन। नहीं, वाक्यन्द्री मौन हो गई, व्यर्थ हो गई, और उसमें सामर्थ्य नहीं रह गई पंच की वार्ता करने की। जो मन मनाकष्टा निर्याणी प्रकृतिस्थान करशति, पांच ज्ञानेन्द्रियां और मन ये बार जीवात्मा को आकर्षित कर भोगों में फंसाते हैं। अब वो रसेंद्री, अब ये तो नाम का ऐसा स्वाद लगा, राधा नाम सुधा सम रसी तुम जिह्वा तुम्हें बिहला, अब कुछ पाने की नहीं रह गई। सच्ची माने किसी भी पदार्थ के भोगने का उत्साह नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि रसेंद्री को अब असली स्वाद मिल गया। वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, यदि तुम्हें राम मीठे लगते तो ये सब 3600 व्यंजन सब तुम्हें फीके लगते। सतरस 36 व्यंजन 56 प्रकार के भोग, किसी भी भोग की लालसा रसेंद्री की भोगने की नहीं रह जाएगी जब नाम का रस प्रकट हो जाएगा। बोले स्वाद और घ्राण, घ्राणेन्द्री जो सुगंध सुगना चाहती है ये अनन्य हो जाती है। प्रिया प्रीतम के संध की ही सुगंध सुगने की इच्छा होगी अन्यथा नहीं। स्वाद घ्राण रस परस ही में, बाहर मन नहीं धावे। परस त्वगेंद्री का विषय है, त्वगेंद्री प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम के प्रेमियनों का स्पर्श, इसके बाद उसे कोई स्पर्श सुख, स्पर्श सुख में ही काम सुख आता है। स्पर्श सुख आदि की कोई मात्र आकांक्षा नहीं रह जाती जब हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। बोले ऐसी स्थिति कैसे हुई,